बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो वीक नंबर 7 स्टार्ट हो गया है, चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे थे ई कॉमर्स का। कल हमने जो है चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, आज जो हम चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, ई कॉमर्स चैप्टर नंबर 7 सोशल नेटवर्किंग मोबाइल कॉमर्स एंड ऑनलाइन ऑप्शन। तो आज जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें जो टॉपिक्स हैं डिस्कशन के लिए, एक ही टॉपिक है उसमें ऑनलाइन ऑप्शन। ऑनलाइन ऑप्शन क्या होता है बेसिकली, ये अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें जी, मूव करते हैं उसमें। टॉपिक नंबर 1 ऑनलाइन ऑप्शन। ऑनलाइन ऑप्शन होता क्या है? ऑनलाइन ऑप्शन बेसिकली नीलामी होती है, यानी ऑनलाइन नीलामी करना मोबाइल्स के ऊपर, यानी कोई भी चीज़ है उसकी नीलामी करना, ऑप्शन करना। एंड ऑप्शन इज यूजली प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स आर सर्विसेज बाई ऑफरिंग दैम ऑफ आर बीट टेकिंग बिड्स, यानी बोली लगाना। यानी जो ऑनलाइन यानी नीलामी हो रही होती है, बोली लगाई जा रही होती है चीज़ों की, सेल्स परचेज का काम हो रहा होता है। एंड देन सेलिंग द आइटम टू द हाईएस्ट बिडर, जो सबसे ज़्यादा जो बोली लगाएगा उसको, यानी वो सेल कर देना। आर बाइंग या बाई कर लेना द आइटम फ्रॉम द लोएस्ट बिडर, यानी जो हाईएस्ट बिडर होगा यानी जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको हम सेल कर देंगे, और जो लोएस्ट बिडर होगा जो कम बोली लगाएगा उससे हम क्या है बाई कर लेंगे। तो ये इस तरह जो ऑनलाइन यानी नीलामी हो रही होती है, ऑनलाइन चीज़ों के जो है सेल्स परचेज का काम होता है, बोली के ज़रिए यानी बोली लगा के बिड के ज़रिए, उसको क्या कहा जाता है जी? ऑनलाइन ऑक्शंस का नाम दिया गया। देखें जी उसमें डेफिनेशन ऑफ ऑनलाइन ऑक्शन क्या है। वर्चुअल ऑक्शन ऑन द इंटरनेट, द सेलर सेल्स प्रोडक्ट और सर्विस टू द पर्सन हु बिड्स द हाईएस्ट प्राइस, यानी जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको हम क्या कर देंगे वो चीज़ सेल कर देंगे। फॉर सेलर ऑनलाइन ऑक्शन ओपन अ न्यू सेल्स चैनल फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड ऑफर बाय फेवरेबल परचेजिंग कंडीशन, तो यानी कुछ नए चैनल्स क्रिएट किए गए हैं, कुछ नई साइट्स बनाई गई हैं जहाँ पर जो है ये ऑनलाइन ऑक्शंस का काम हो रहा है, वहाँ पर यानी बोली लगाई जाती हैं, हाईएस्ट जो है बिडर वो वहाँ पर जो है सेल्स को सेल्स कर देते हैं हम चीज़ को, और जहाँ पर कम होती है वहाँ पर हम परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखें जी, टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ऑक्शन कितने तरह का होता है। इंग्लिश ऑक्शन, इंग्लिश ऑक्शन में क्या होता है जी? इंग्लिश ऑक्शन इन विच बिडर पब्लिकली अनाउंस देयर सक्सेसिव हायर बिड अनटिल नो हायर बिड इज फोर्थ कमिंग, के जो है जो जब तक सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जो बिडर है बोली लगाने वाला नहीं आता तब तक वो बोली लगाते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एन असेंडिंग प्राइस ऑप्शन, किसमें जो है प्राइस बढ़ती ही जाती है असेंडिंग ऑर्डर में, तो जब तक हाईएस्ट तक वो यानी फाइनलाइज नहीं हो जाती उसको ऑनलाइन जो है इंग्लिश ऑप्शन का नाम दिया गया। डच ऑक्शन, इसमें क्या होता है? द डच ऑक्शन इज फॉर्म ओपन ऑक्शन इन विच बायर बिडिंग स्टार्ट एट द हाईएस्ट प्राइस एंड ड्रॉप अनटिल बिडर एक्सेप्ट द प्राइस, कि जो है टॉप पे यानी एक हाईएस्ट प्राइस रख दी जाती है और जब तक उस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता तो ये जो है बोली चलती रहती है। इस तरह की जो बोली है उसको क्या है डच ऑक्शन का नाम दिया गया है। तो ये दो टाइप्स हैं। नेक्स्ट देखें जी, टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ऑक्शन। फर्स्ट प्राइस सेल्ड बिड ऑक्शन, इसमें क्या होता है? इन सेल्ड बिड ऑक्शन बिडर सबमिट देयर बिड इंडिपेंडेंटली एंड आर यूजुअली प्रोहिबिटेड फ्रॉम शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, जो है एक दूसरे के साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर करने से जो है ग्रेज किया जाता है, और जो है इंडिपेंडेंटली जो है यहाँ पर जो है बोली लगाई जाती है। इन फर्स्ट प्राइस सेल्ड बिड ऑक्शन द हाईएस्ट बिडर विन, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वो जीत जाएगा। इसमें जो इंफॉर्मेशन है हाइड रखी जाती है, यानी जो बोली लग रही होती है वो एक दूसरे से यानी शेयर नहीं की जा रही होती। सेकंड प्राइस सेल्ड बिड ऑक्शन में क्या है जी? द सेकंड प्राइस सेल्ड बिड ऑक्शन इज द सेम एज फर्स्ट प्राइस, यानी उसकी तरह ही है, एक्सेप्ट द हाईएस्ट बिडर इज अवॉर्डेड द आइटम एट प्राइस बिड बाय द सेकंड हाईएस्ट बिडर, जो यानी फर्स्ट सबसे ज़्यादा यानी जो बोली लगाएगा वो जो दूसरा सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाला है उससे यानी उसको अवॉइड कर दिया जाएगा, यानी वो चीज़ उसको दे दी जाएगी सेकंड प्राइस में। ओपन आउट क्राई डबल ऑक्शन, इसमें क्या होता है? डबल ऑक्शन मार्केट कैन आल्सो बी कैरिड बाई ओपन आउट क्राई, ये ओपन होती है, ओपन बोली लगाई जाती है। इन विच बायर्स एंड सेलर कॉल आउट प्राइस दे आर विलिंग टू बाई एंड सेल एंड दे मैच मेड फॉर बायर एंड सेलर कॉल आउट द सेम प्राइस, यानी सेम प्राइस पे यानी ओपन वो क्या है बोली लगाई जा रही होती है, और वो चीज़ जो है जिस ने यानी परचेज करनी हो वो परचेज कर ले, जिसने सेल करनी हो वो सेल कर देता है। नेक्स्ट देखें जी, टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ऑक्शन, उसमें जो है डबल ऑक्शन।
डबल ऑक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स विद मल्टीपल सेलर मल्टीपल बायर्स, यानी एक से ज्यादा सेलर एक से ज्यादा बायर्स होते हैं। पोटेंशियल बायर्स सबमिट देयर बिड्स एंड पोटेंशियल सेलर सबमिट देयर आस्क प्राइस टू मार्केट इंस्टीट्यूशन, यानी जो उनसे बोली पूछी जाती है वो अपनी प्राइस बता देते हैं, पुट कर देते हैं, खरीदने वाला जो अपनी प्राइस बता देते हैं, एंड देन द मार्केट इंस्टीट्यूशन चूज सम प्राइस पी दैट क्लियर द मार्केट, और जो मार्केट वाले हैं वो कुछ प्राइस चूज करके यानी उनके जो है आपस में ऑनलाइन जो है सेल्स परचेज का काम जो है डन करवा देते हैं। तो ये जो है हमारे पास डबल ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास रिवर्स सेलर बिड ऑप्शन है, उसमें क्या होता है जी, ये रिवर्स ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ ऑप्शन इन विच सेलर बिड फॉर प्राइस एट विच दे आर विलिंग टू सेल देयर गुड्स एंड सर्विस, जहाँ पर यानी उनको से अपनी सर्विसेज जो है गुड्स जो है सेल करनी है वहाँ पर यानी वो उसको क्या है सेल कर देते हैं। इन रेगुलर ऑक्शन सेलर पुट्स अप एन एटम बायर प्लेस बिड अंटिल द क्लोज ऑफ द ऑक्शन, यानी एक बोली लगा दी जाती है, जब तक वो क्लोज नहीं होती तो उसको क्या है वहाँ पर परचेज कर लिया जाता है। एट विच द एटम गोज टू द हाईएस्ट बिड, यानी वो किसके पास जाएगा जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, ये रिवर्स में है चला जाता है नंबर फोर पे जो टाइप्स है हमारे। टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ऑक्शन ये देखें जी, इंग्लिश ऑक्शन है, डच फर्स्ट प्राइस सेल्ड है, उसमें डबल ऑक्शन है, डबल ऑक्शन सील्ड बिड है, ओपन है, यानी एक ओपन हमने पढ़ी और दूसरी हमने सील्ड, उसके रिवर्स ऑप्शन। तो ये आगे उनकी जो है डेफिनेशन और कुछ करेक्टिक्स भी बताई गई हैं जो भी हम डिस्कस करके आए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली यही है, ऑनलाइन ऑप्शन ही है उसमें, यानी हमने क्या है ऑनलाइन ऑप्शन कैसे करनी है अपनी चीज़ों की जो है नीलामी। नेक्स्ट देखें जी, ऑनलाइन ऑक्शन एंड रिलेटेड बिजनेस, उसमें क्या है, ऑनलाइन ऑक्शन आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ ऑनलाइन बिजनेस टुडे, मिलियन ऑफ पीपल बाय एंड सेल साइट ऑफ गुड्स ऑन कंज्यूमर ऑक्शन साइट्स ईच ईयर, यानी हर साल यानी ये बहुत बढ़ रहा है, हर साल जो है सेलर परचेजर जो है अपनी चीज़ें जो है ऑनलाइन सेल्स परचेज कर रहे हैं। ऑल्दो द ऑनलाइन ऑक्शन बिजनेस इज चेंजिंग रैपिडली एज इट ग्रो, यानी ये ग्रो ही कर रहा है। थ्री बोर्ड्स कैटेगरी ऑफ ऑक्शन वेबसाइट हैव इमर्ज, जो नई यानी हमारे साथ इमर्ज हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, जर्नल कंज्यूमर ऑप्शन है, स्पेशलिस्टी कंज्यूमर ऑप्शन है, और बिजनेस टू बिजनेस ऑप्शन है। ये तीन जो है नई हमारे साथ वेबसाइट्स जो इमर्ज हुई हैं ऑनलाइन ऑप्शन में। वेल मूव करते हैं नेक्स्ट देखते हैं जी, ऑनलाइन ऑप्शन जो है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखें जी, उसमें जर्नल कंज्यूमर ऑप्शन है, उसमें देखें जी क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंज्यूमर ऑक्शन वेबसाइट ईबे जो है एक सक्सेसफुल जो है ऑनलाइन ऑक्शन की जो है वेबसाइट है। ईबे होम पेज इंक्लूड लिंक्स टू कैटेगराइज ऑफ आइटम, यानी वहाँ पर डिफरेंट आइटम्स हैं जो कैटेगराइज किए गए हैं ऑक्शन के लिए। सेलर पे ईबे एंड लिस्टिंग फी एंड स्लाइडिंग परसेंटेज ऑफ फाइनल सेलिंग प्राइस, यानी वो जो जितने भी आइटम वहाँ पर कैटेगराइज करेंगे उसकी जो है कमीशन या ऐसे क्या लेंगे उसको जो है वो पे करते हैं ईबे को। बायर पे नथिंग टू ईबे, यानी जो बायर सेलर पे करेंगे लेकिन जो बायर होंगे खरीदने वाले वो ईबे को कुछ भी पे नहीं करेंगे। द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट यूज ऑन ईबे इज कंप्यूटराइज्ड वर्जन ऑफ द इंग्लिश ऑप्शन, जो है टाइप्स जो है ऑप्शन की वो इंग्लिश ऑप्शन वहाँ पर यूज़ हो रही है। ईबे ऑन paypal.com विच ऑफर सिक्योर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट आफ्टर एन ऑप्शन एंड ऑल्सो अदर पेमेंट, जो है पेपल जो है उसको वहाँ पर जो है सिक्योर सेटलमेंट और पेमेंट्स के लिहाज से यानी ऑप्शन है वहाँ पर। देखें ईबे एक्सपेंडेड मर्चेंडाइज बाय half.com, यानी अपनी जो मर्चेंडाइज है यानी उसको यानी नाश कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है किसके जरिए, half.com के जरिए। ईबे हैज आल्सो एक्सपेंड न्यू बिजनेस ऑक्शन इट, यानी न्यू बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। पोर्टल साइट सच एज याहू अमेजोन एंड एक्साइट हैव क्रिएटेड ऑक्शन, इन्होंने भी जो है ऑक्शन क्रिएट किए हुए हैं। नेक्स्ट देखें जी, सेकंड पे जो है स्पेशलिटी कंज्यूमर ऑक्शन, इसमें क्या होता है जी, सम वेब ऑक्शन साइट्स एग्जिस्ट टू मीट द नीड ऑफ स्पेशलिटी मार्केट सेगमेंट, उसमें क्या होता है जी, cnet.com टेक्नोलॉजी पोर्टल साइट इज डिवोटेड टू कंप्यूटर, गोल्फ क्लब एक्सचेंज वेब ऑक्शन साइट फॉर गोल्फर्स एंड अ प्रॉब्लम, बिजनेस टू बिजनेस वेब ऑक्शन, इसमें क्या होता है जी, इसमें बिजनेस डेफिनेट होगा। बिजनेस टू बिजनेस ऑप्शन इवॉल्व्ड द मेड स्पेसिफिक नीड्स सच एज हैंडलिंग एक्सेस इन्वेंट्री, न्यू जो इन्वेंट्री है, लार्ज कंपनीज में क्रिएट देयर ऑन ऑक्शन साइट दैट एक्सेस इन्वेंट्री, यानी कुछ कंपनीज जो अपने ऑप्शन हैं जो वेबसाइट क्रिएट कर लेती हैं। ए थर्ड पार्टी वेब ऑक्शन साइट टेक्स प्लेस ऑफ द लिक्विडेशन
ब्रोकर एंड ऑक्शन एक्सेस इन्वेंट्री। तो यहाँ पर यानी ऐसे कह लें कि ब्रोकर जो होते हैं, थर्ड पार्टीज होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं और वो यानी आगे सेल्स परचेज का काम करवा रहे होते हैं बिजनेस टू बिजनेस वेब ऑप्शंस के अंदर। नेक्स्ट देखें जी, ऑक्शन रिलेटेड सर्विसेज कौन कौन सी हैं। ऑक्शन एस्क्यू सर्विसेज हैं, एन इंडिपेंडेंट पार्टी दैट होल्ड बायर पेमेंट अंटिल द बायर रिसीव द परचेज आइटम एंड सेटिस्फाइड दैट द आइटम व्हाट इज सेलर रिप्रेजेंटेड टू इट। यानी जब तक वो जो परचेजर है परचेज करके उससे सेटिस्फाई नहीं हो जाता जो चीज़ उसने परचेज किया, तब तक वो उसको पे नहीं करता। ऑक्शन डायरेक्टरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसमें क्या होता है, ऑफर गाइडेंस फॉर न्यू ऑक्शन पार्टिसिपेंट एंड हेल्पफुल हिंट्स एंड टिप्स फॉर मोर एक्सपीरियंस। यानी यहाँ पर कुछ टिप्स और यानी कुछ और यानी चीज़ें बताई जाती हैं ताकि जो न्यू हमारे जो ऑक्शन हैं वो यानी यहाँ पर इन्वॉल्व हों बायर्स सेलर्स जो हैं। ऑक्शन सॉफ्टवेयर फॉर सेलर, दीज कंपनीज ऑफर सॉफ्टवेयर सर्विसेज कैन हेल्प विद ऑटोमेटेड टास्क सच एज इमेज होस्टिंग एडवर्टाइजिंग पेज। यानी ऑक्शन सॉफ्टवेयर यानी जिसमें यानी जो अपने वेबसाइट्स की जो है ऐसे कह लें कि वहाँ पर एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, पेज डिज़ाइन कर रहे होते हैं न्यू ऑक्शंस जो हैं वो क्रिएट करने के लिए, ऑफर करने के लिए। नेक्स्ट देखें जी, लेक्चर नंबर 2 हमारा जो है एंड हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं इसमें। देखें जी, लेक्चर नंबर 2 हमारा दी एंड हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।